आपको नहीं लगता आपका डिवाइस हैक हो चुका है या फिर होने वाला है? यह आपको अभी चेक करना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया मिलकर साइबर क्राइम को रोकने के लिए $1,000 करोड़ सालाना खर्च कर रही है। तो सोचिए हैकिंग से होने वाले नुकसान का आंकड़ा क्या होगा। फिर भी पूरी दुनिया में लगभग हर आधा मिनट के अंदर एक डिवाइस हैक होता है। अगर ये रियल है तो अगला नंबर आपका है, क्योंकि इस ट्रैप से डोनाल्ड ट्रंप और मार्क जुकरबर्ग जैसी बड़ी हस्तियां भी नहीं बच सकी। तो हमें अपने आप को सेफ समझना सिर्फ एक मजाक है। आज मैं बताऊंगा एक हैकर को सिस्टम हैक करने में हम खुद उनकी कितनी मदद करते, जिससे वो अपना काम इतनी आसानी से कर जाता है। और साथ ही बताऊंगा कि कैसे कुछ स्टेप फॉलो करके उनके पांव इस आंकड़े तक पहुंचने से रोक सकते हैं, और साथ ही से बचने के लिए कैसे एक मजबूत दीवार बना सकते हैं। तो बने रहिए एंड तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं वीर और आप देख रहे हैं बिस्टेक माफिया। जैसे ही देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा, वैसे वर्क फ्रॉम होम का चलन भी बढ़ा और साथ ही बढ़ा इंटरनेट का इस्तेमाल। अब जहां इंटरनेट का नाम आ जाता है, वहां साइबर क्राइम कहां पीछे रहने वाला था। इसी के चलते गृह मंत्रालय ने भी मोबाइल कंप्यूटर और लैपटॉप को लेकर अलर्ट होने की एडवाइजरी जारी की। इसके बावजूद भी ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इसकी चपेट में जो भी आया उसने भयंकर परिणाम भुगते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब शायद ही दुनिया का कोई ऐसा इंसान होगा जो इस हैकिंग से बचेगा, क्योंकि आए दिन हैकर नए नए पैंतरे आजमाते हैं। इसलिए समय के साथ साथ हमें भी इससे बचाव के तरीकों से अपडेट होने की जरूरत है। इससे बचने के बारे में जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हैकिंग किस किस तरह की होती है, ताकि समय आने पर आप इनिशियली स्टेप फॉलो कर सको। हैकिंग ज्यादातर तीन तरह से होती है। पहले लेते हैं वेबकैम को, जिसमें आपके डिवाइस के माइक और कैमरे को हैक किया जाता है। ये हैकर के लिए एक अच्छे खासे सीसीटीवी का काम करता है, ताकि इससे मिले ऑडियो वीडियो और पिक्चर को वो डार्क वेब पर जाकर के बेच सके। फिर शुरू होता है सिलसिला ब्लैकमेलिंग का, जिसकी कीमत कुछ भी हो सकती है। इसलिए फेसबुक का सेंसा मार्क जुकरबर्ग भी अपने मैकबुक के वेबकैम और माइक दोनों को टेप से ढककर रखते हैं। पहले तो वेबकैम की रेड लाइट ऑन होने से उसके चालू होने का पता लग जाता था, पर अब हैकर सबसे पहले उसी को हैक करते हैं। पर फिर भी जहां तक हो सकता है हम उसकी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई डेटा बाहर जाता है तो वो सबसे पहले आपके डिवाइस में सेव होता है, तभी उसको वो बाहर फॉरवर्ड कर पाएगा। सो अपने डिवाइस की गैलरी में जाकर देखिए कहीं कोई ऐसी पिक्चर या ऑडियो वीडियो तो नहीं है जो आपकी बिना मर्जी के सेव हुई है। दूसरा आता है ऑनलाइन हैकिंग। अगर आपका वेबसाइट फेसबुक इंस्टाग्राम या यूट्यूब अकाउंट है और आप उसमें सही पासवर्ड डाल रहे हैं, फिर भी वो बार बार डिनाई हो रहा है, तो समझ जाना आपका अकाउंट हैक हो चुका है। ये हैक होने के बाद आप इन सब पर से अपनी ओनरशिप और कंट्रोल दोनों खो देंगे, और वो सब पूरी तरह से उनके हाथ में चला जाएगा। इसके बाद वो उसको डार्क वेब पर महंगे दामों पर बेच देंगे और हम अपने अकाउंट के एक व्यूअर बन के रह जाएंगे। इस दौरान अगर आप अपना डिवाइस ऑफ करने की सोच रहे हैं तो ये भूलकर भी मत करना, क्योंकि इससे उसको पता लग जाएगा कि आपको इसके बारे में नॉलेज कम है और वो आपके पूरे डिवाइस को हैक कर सकता है। इसके बाद तो जितना जल्दी हो सके, अगर आपने कहीं अपना पासवर्ड सेव कर रखा है तो उसको डिलीट करना और जो मेन पासवर्ड है उसको रिसेट कर देना। और हाँ, साइबर क्राइम के पोर्टल पर इसकी कंप्लेंट जरूर करनी है, ताकि वो आपकी आईडी को अगर मिसयूज करता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अब तीसरे नंबर पे आता है आपका डिवाइस। ये आपका लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर हो सकता है। अगर आपका डिवाइस अपने आप बंद चालू हो रहा है, या उसका एंटीवायरस ऑफ हो चुका है, या फिर पीसी में माउस अपने आप चल रहा है, तो समझो आपके डिवाइस को कोई रैंडम जगह से एक्सेस कर रहा है। इसका मतलब आपका डिवाइस हैक हो चुका है। अगर डिवाइस हैक हो गया तो सब कुछ हैकर्स के हाथ में चला जाता है, क्योंकि इसके बाद में आपके डिवाइस का पूरा एक्सेस हैकर के हाथ में। इसके बाद तो हम अपने मकान में किराएदार बन के रह जाते हैं। ये सब अचानक नहीं हुआ। ऐसा नहीं हैकर आया और डेटा चुरा के ले गया। उससे पहले वो काफी लंबा ट्रैप डालता है और फिर इंतजार करता है हमारी एक छोटी सी गलती का, तब जाकर वो इतना सब कर पाता है। अगर आपको लगता है कि हैकर सिर्फ एक ही टाइम में हैक करके छोड़ देता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो आपके डिवाइस में ऐसे ऐप्स इंस्टॉल कर देता है जो आगे भी लगातार आपका डेटा हैकर के पास भेजता रहता है, जिसकी वजह से आपका डिवाइस लगातार ज्यादा बैटरी और डेटा कंजप्शन करता है और तवे की तरह गर्म होने लगता है, या फिर स्लो या हैंग होने लगता है। इस तरह से आपका डिवाइस भी आपको चीख चीख कर वार्निंग देता है और आपको लगता है कि आपका डिवाइस पुराना हो गया, पर नहीं, वो आपके डिवाइस के बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप या सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है, जो आपका डाटा लगातार हैकर के पास भेज रहा होता है। अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा होता है तो सबसे पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर देनी चाहिए, उसके बाद अपना एंटीवायरस ऑन करना है। अगर आपको लगता है कि कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसको आपने इंस्टॉल नहीं किया है, या फिर किसी ऐप का आइकन अगर बदला हुआ लगे तो उसे खोलकर देख लेना चाहिए। अगर ये कोई अनजान ऐप है तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर देना है। अगर कर सको तो उसी वक्त हार्ड रिसेट मार देना बेस्ट स्टेप हो सकता है। अब सोचिए, अगर आपके साथ ये सब नौबत नहीं आई है तो कांग्रेचुलेशन, आप कितने खुशनसीब हैं। अगर आप चाहते हो कि ये नौबत ना आए तो कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने डिवाइस को हमेशा अप टू डेट रखें, इसके साथ ही सिक्योरिटी अपडेट को भी ऑन रखें। अगर आपके डिवाइस में ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा रहता है तो लालच ना करके एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर परचेज कर लेना चाहिए, ताकि सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज हो सके। फायरवॉल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आग वाली दीवार, ये आपके इंटरनेट और डिवाइस के बीच में एक दीवार का काम करता है। इससे आपके डिवाइस का नेटवर्क लॉक रहता है। ये अनजान डेटा को अंदर या बाहर जाने से रोकता है। यहाँ से जो भी डाटा अंदर या बाहर जाएगा वो पूरा चेक होकर ही जाएगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन,
रेस्टोरेंट जैसी फ्री वाईफाई वाली जगह हैकर्स की सबसे फेवरेट जगह होती है। यहाँ वो फेक वाईफाई बनाकर आपको अपने जाल में फंसा लेता है। इनका यूज करने से बचें। अगर फिर भी कर रहे हैं तो वीपीएन का यूज करें। इससे आपका पूरा डेटा कोडेड लैंग्वेज में बदल जाएगा और एक सिक्योर टनल से होकर गुजरेगा, जिससे आपका आईपी एड्रेस हाइड हो जाता है और आप हैकर की नजर से छुप जाते हैं। जहां तक हो सके आपको अपने ब्राउजर के इनकॉग्निटो मोड को यूज करने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा राज को राज ही रखता है। किसी अननोन और अनसिक्योर सोर्स से सॉफ्टवेयर और फाइल को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। इसमें एपीके फाइल का इम्पोर्टेंट रोल है। कई बार मालवेयर एपीके फाइल के फॉर्म में आ जाते हैं, जो आपके डिवाइस में इंस्टॉल होकर हैकर के लिए एक जासूस का काम करते हैं। हमेशा ऐप या सॉफ्टवेयर किसी ट्रस्टेड सोर्सेज जैसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना है। जब प्ले स्टोर पर 30 लाख ऐप मौजूद हैं, तो क्यों इधर उधर हाथ मारना। एवरेज 100 ऐप्स होते हैं एक मोबाइल में, जिसमें पूरे महीने में मुश्किल से एवरेज 30 ऐप ही हम यूज कर पाते हैं। बाकी बचे को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। जरूरत होने पर हम फिर से इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। जब ऐप यूज में ना हो तो उसकी अनयूज परमिशन को आप ब्लॉक कर सकते हैं। अभी के लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन में ये ऑप्शन आ चुका है। अपने फोन की सेटिंग में जाकर एप्स में जाना है। अब यहाँ से वो ऐप चूज करना है जिसकी परमिशन ब्लॉक करना है। अब यहाँ आकर आपको यहाँ से रिमूव परमिशन को ऑन कर देना है। जहाँ तक हो सके बेमतलब की परमिशन मांगने वाले ऐप से बचना चाहिए। कुछ एप्लीकेशंस डिवाइस के कैमरे का इस्तेमाल जासूसी और निगरानी करने के लिए कर सकते हैं, इसलिए जब भी आप वेबकैम को यूज नहीं कर रहे हो तो कैमरा और माइक को किसी चीज से ढककर रखना चाहिए। स्मार्टफोन में कई तरह के कनेक्टिविटी फीचर होते हैं, जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट वगैरह। अगर आप इस फीचर का यूज नहीं कर रहे तो इन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी हैकर इन कनेक्टिविटी का यूज करते हुए आपके फोन को हैक कर सकता है। कई बार गूगल पर किसी वेबसाइट पर ब्राउज करते हुए कोई पॉपअप आ जाता है। इसमें मालवेयर पॉपअप यूजर्स को एंटीवायरस या अन्य टूल्स इंस्टॉल करने के लिए कहता है। हमने देखा है कई बार तो पॉपअप को क्लोज करने में प्रॉब्लम आती है। अगर आप इस तरह का कोई ऐड देख रहे हैं तो जल्दी वहां से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना आपका फोन एडवेयर का शिकार होकर खराब हो सकता है। एनक्रिप्शन फीचर अपने स्मार्टफोन को हैक होने से बचाने के लिए यह फीचर बहुत ही कारगर है। यह फीचर एंड्रॉइड यूजर और आईफोन यूजर दोनों के लिए है। एनक्रिप्शन फीचर अपने मोबाइल के डाटा को एनक्रिप्ट कर देता है, जिससे कोई भी दूसरा व्यक्ति बिना पासवर्ड के आपके डाटा का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको इस फीचर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने फोन को और अच्छी सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपको अपने फोन के साथ साथ एप्लीकेशन में भी लॉक लगाकर रखना चाहिए, ताकि कोई अगर आपके फोन के पासवर्ड को खोल भी ले तो आपके डाटा तक नहीं पहुंच सके। कई स्मार्टफोन यूजर कई सारी रीजन की वजह से अपने स्मार्टफोन को रूट कर लेते हैं। रूट करने के कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत है। अगर आप अपने पर्सनल स्मार्टफोन को रूट करने की सोच रहे हैं तो मेरी पर्सनल राय है, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर रूट करते टाइम आपने जरा सी भी गलती कर दी तो आपका फोन हमेशा के लिए डेड हो सकता है। रूट हो जाने की वजह से कंपनी भी अपनी गारंटी और वारंटी बिल्कुल खत्म कर देती है, जिसके बाद आपको कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिलता। साथ ही फोन हैकिंग के चांस भी बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास कोई मैसेज आए और उसमें कोई स्कीम या फिर ऑफर की बात की जाती है, जिसमें एक लिंक भी अटैच होता है जिसे क्लिक करने के लिए बोला जाता है, तो ऐसे में उस लिंक को क्लिक करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये एक फिशिंग अटैक हो सकता है। इसमें आपका कोई भी बैंक अकाउंट UPI ID सिंक हो सकती है और थोड़ी देर में पता चलेगा कि आपका अकाउंट आपको अपने गूगल और विंडो अकाउंट पर भी ऑथेंटिकेटर की का यूज करना चाहिए। हम आए दिन देखते हैं यूट्यूब चैनल हैक होते हुए। पता है दोस्तों, बहुत दुख होता है इस तरह किसी की सालों की मेहनत एक पल में मिटते हुए। इस बात को सिर्फ वही समझ सकता है जिसके साथ में ये सब बीती है। जल्दी हम हैक हुए अकाउंट को वापस रिकवर करने से रिलेटेड और उस दौरान हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, इस पर जल्दी एक वीडियो लाएंगे। इसके अलावा भी अभी बताए गए फीचर जैसे VPN, फायरवॉल, मोबाइल रूट, एनक्रिप्शन फीचर और गूगल ऑथेंटिकेशन के बारे में भी जल्दी डिटेल वीडियो आने वाली है। अगर आपको भी इसका इंतजार है तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। इतना समय देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।